तो हेलो भाई लोग, आ चुके हैं हम एक और वीडियो के साथ में वापस। सो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ किया था, तो इस वीडियो में और भी कुछ करेंगे। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने हर जगह गेट लगा दिए, यहाँ पर भी खुला खुला था। और मैंने ये पाल ली थी एक चिकन। और मैंने ये शीप और विच खड़ी हो शिट विच है यहाँ पे, इसे मार देता हूँ। तो पहले तो अगर मैंने इसे मारने के बाद छोड़ा तो ये मुझे मार देगी, तो मेरे को इसको टाइम नहीं देना बिल्कुल भी। तो ख़त्म हो गई है और आप देख सकते हैं मैंने ऊपर भी एक मंजिल बना दी घर के। तो मेरे को यहाँ से काफ़ी नीचे से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने काफ़ी एक बार खोद के देखा। और खोदने पे देखिए मुझे क्या मिलता है यहाँ। मुझे लगा यहाँ कुछ है, तो मैं खोदता रहा काफ़ी। और खोदने के बाद मुझे मिली यहाँ गुफा, और मैंने देखा ये तो काफ़ी बड़ी गुफा है। बिकॉज मुझे यहाँ से काफ़ी टाइम से इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर इसे बंद कर दिया अभी, ताकि कोई निकले ना बाहर। और हम यहाँ पर बाद में चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, अभी जिस एपिसोड के लिए आए हैं वो करते हैं। तो अच्छे से बंद हो चुकी है, ठीक है, काफ़ी है इतनी। तो अभी चलते हैं हम अपने घर पे वापस और आपको दिखाते हैं। तो हमने अपने घर में काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, मेरे पास सामान भी काफ़ी हो चुका है। तो हम पहले बना लेते हैं एक, रुकिए, पहले हम एक आयरन की कुल्हाड़ी बना लेते हैं। तो आयरन मेरे पे हैं 4 और कुल्हाड़ी के लिए चाहिए 3, तो काफ़ी है हमारे लिए आयरन। और हम बना लेते हैं एक आयरन की कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है, बस पत्थर की जगह आयरन रख देना है और हमारी आयरन की कुल्हाड़ी बन चुकी है। तो अभी हम चलते हैं अपनी चीज़ें निकालने। मैंने नीचे काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ रखी थी जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम चलते हैं नीचे वापस। और काफ़ी नीचे तक खुदाई कर ली मैंने। तो देख सकते हैं आप मैंने कितनी नीचे तक खुदाई कर ली है, और जितना आपको पिछली वीडियो में दिखाया था उससे भी थोड़ी आगे करी है। ओह शिट, यहाँ पर तो स्लाइम आ गई है, तो इसे मारना पड़ेगा हमें। ये भी स्पॉन होती है, ये हम मारेगी नहीं, पर अगर हम इसे मारेंगे तो ये हम मारेगी, और ये हमारी जगह पर, तो हमें इसे मारना पड़ेगा। तो इसे मारने से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एक चीज़, ये डिवाइड होती रहती है काफ़ी देर तक। देखिए मैंने एक को मारा, 4 आ गई, तो अभी ये 4 में से भी छोटे छोटे होंगे, तो बस 3 बार होते हैं। तो देखिए मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा, बट मैं सबको मार देता हूँ, बिकॉज ये ज़्यादा टाइम नहीं लगती मरने में इन्हें, ये एक एक उसमें मर जाती हैं। और इनसे मिलती हैं हमें स्लाइम्स, जो कि हमारे काफ़ी काम आती हैं। तो स्लाइम्स की बातें बाद में करेंगे, पहले इन्हें मार देते हैं। तो मैंने मार दी और इनसे मिली हमें स्लाइम्स। तो स्लाइम बेसिकली चिपकाने के काम आती है, हमें कुछ भी चीज़ कहीं पर भी चिपकानी है तो फिर उसके काम आती है। और मैंने यह बोला था आपसे काफ़ी खुदाई कर रखी है, तो मैंने आपको खोदने के लिए दिखाया। आयरन भी है यहाँ पर, देखिए गोल्ड भी है, तो गोल्ड भी निकाल लेते हैं और ये भी निकाल लेते हैं सब कुछ, बिकॉज मैं यहाँ पर अब ज़्यादा आया नहीं करूँगा, हमने नई गुफा ढूंढ लिया तो वहीं जाया करेंगे चीज़ें ढूंढने। और देखिए मैंने यहाँ नीचे और खुदाई करी थी, कहाँ है गिरी, तो थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने को और वो मिल गया आयरन। तो जितना आप आयरन इकट्ठा कर सकते हैं उतना आयरन इकट्ठा कर लीजिए, बिकॉज आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और आयरन से आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं।
तो थोड़ा सा और था, कहाँ है इरी? तो मेरे को यहाँ डायमंड भी मिले थे, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए डायमंड होते हैं ऐसे, तो इनको कुछ नहीं करना है, इनको भी तोड़ देना है, तो इनसे आपको डायरेक्ट आयरन मिल जाएंगे। हमें गोल्ड के लिए, और उसके लिए हमें पकाना पड़ता था, मतलब उसको कोयले के साथ फर्नेंस में, तो बट ये डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो बस इतना ही है, थोड़ा मैं और खोल के देख लेता हूँ यहाँ कुछ मिलता है या नहीं। तो एक और डायमंड है यहाँ ऊपर, मैंने देखा नहीं था, ये भी निकाल लेते हैं। निकाल लिया। तो अब काफ़ी देर खोजने के बाद मुझे यहाँ थोड़ा सा और मिल जाते हैं, तो अच्छा ही है, आयरन मिलता रहेगा। तो फिर जितना ज़्यादा आयरन उतना ज़्यादा कमाना पड़ेगा मेरे को पाव में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयरन यूज़ होता है। तो मुझे काफ़ी आयरन मिला है, और ये नीचे देखिए मतलब ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है गेम, इससे नीचे हम नहीं जा सकते, नहीं ना हम तोड़ सकते। ये जो ब्लैक से बॉक्स थे, एंड ब्लॉक कहते हैं शायद इन्हें, पता नहीं, बट इससे नीचे नहीं जा सकते हम। तो मुझे यहाँ कुछ मिल नहीं रहा अब, तो मेरे को लग रहा है अब हमें चलना चाहिए ऊपर, थोड़ा सा भी कुछ मिला ही नहीं यहाँ। तो अब हम चलते हैं ऊपर वापस अपने घर पे। तो रास्ता किधर है? ओके, तो यहाँ से एक ब्लॉक हटा दिया मैंने गलती से, तो चलते हैं ऊपर थोड़ा। इन्हें भी निकाल लेते हैं, हम पे कोयले की भी कमी पड़ रही है थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमें काफ़ी कोयला मिल गया, मेरे को इतनी लग नहीं रहा था इतना मिल जाएगा, बट यहाँ मिल गया तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं ऊपर वापस। तो देखिए मेरे को, मेरा खाना भूख खत्म हो चुकी है, तो अब मेरी हेल्थ भी खत्म हो गई। तो बस आप की हेल्थ खत्म हो जाएगी तो आप मरेंगे नहीं, खाना खत्म होने के बाद बस आपकी हेल्थ जीरो हो जाएगी, और आप कहीं से भी गिरे तो मर जाएंगे, पर डायरेक्ट इसकी वजह से नहीं मरेंगे। तो रात भी हो चुकी है, और मैंने हर जगह वो लगा दी थी कैंडल्स, टॉर्च। ओ शिट, ये कौन आ गया, ये मार देगा, मेरी हेल्थ ही नहीं, इसने एक मार दिया। तो मुझे लगता है ये बाहर ही है, अंदर नहीं आ पाया है। तो मैं अपना सामान, अरे अंदर कैसे आ गया यार, ये गेट तो बंद कर दिया था मैंने। शिट यार, ये मार देगा मेरे को, दोबारा मर गया। चलो ओके, कोई नहीं, घर में ही हम इसे मार ही देंगे। तो मर गया, अच्छा है। ईंट से मारा मैंने इसको। तो हम पहले अपने आयरन ओर्स रख देते हैं यहाँ पर, गोल्ड को रख देते हैं, इसमें फ्यूल कम है, दूसरे वाले में अपने आयरन रख देते हैं। आयरन कहाँ है हमारे, ये रे 24 आयरन है, काफी आयरन हो चुके हैं हमारे पास। सुबह हो गई, हम सो गए थे, और अब चलते हैं हम अपने, पहले इसे तोड़ देते हैं, गलती से लग गया था मेरे से ही। तो
देखते हैं अपनी शिप्स को। तो देखिए मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया था थोड़ा सा, और देखिए इसका एक और बच्चा हो चुका है, तो हम पे काफ़ी शीप्स हो गए क्योंकि मैंने अपने गायों को भगा दिया, बिकॉज अभी गायों की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये बेफालतू में जगह घेर रही थी तो मैंने भगा दी। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम पालेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने भगा दी। तो यहाँ पर एक मकड़ी स्पॉन हो गई, इसे मार के भगा देते हैं। मर चुकी है। तो मकड़ी से हमें स्ट्रिंग्स मिलती हैं जो कि हमारे काफी काम आ जाएंगी बाद में। तो पहले मैं अपने लिए ये बो देता हूँ, मेरे वीट्स खत्म हो रहे। तो वीट ऑलमोस्ट बू चुके हैं, थोड़े से रह रहे हैं, इन्हें और बो देते हैं। तो हमने हमारे पास जितनी वीट की सीड्स थी हमने सारी बो दी हैं, और इन्हें वीट फाड़ देते हैं जो हमारे हो चुके हैं। तो काफ़ी है, तो वापस चलते हैं अपने ऊपर। और मुझे इनकी जगह बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे को ये वाला बाड़ा तोड़ना पड़ेगा यहाँ से ताकि इनके लिए जगह हो जाए, वरना ये भूख के मारे भी मर जाएंगी क्योंकि ये घास खाती हैं। तो देख सकते हैं आप, ये नीचे ये घास खाती रहती हैं, तो अगर वहाँ की घास ख़त्म हो गई तो फिर ये मरने चालू हो जाएंगी, तो हमें थोड़ी इन्हें ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी। तो मैं इन्हें खिला देता हूँ पहले थोड़ा खाना, जिससे और नंबर बढ़ सकें तो इनके बढ़ जाएँ, फिर मैं आपको इनके साथ कुछ चीज़ करके दिखाऊँगा कि हम कर क्या कह सकते हैं। Thank you.
तो मैंने बाड़े हटा दिए हैं, और आपको मैं एक बार ऊपर जाके दिखा देता हूँ कि मैंने एक ऊपर का घर कैसे बनाया है। तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, तो देख सकते हैं। और यहाँ पर एक मकड़ी है, तो मैं इसे भी मार देता हूँ पहले, क्योंकि तो दिमाग ख़राब कर रही है। तो ये अबे ये तो मेरे ऊपर ही चढ़ गई भाई, इसे मार देता हूँ, रुको 2 मिनट। तो इससे भी स्ट्रिंग मिली है, इसे भी ले लेते हैं और वापस चलते हैं नीचे। तो अभी मैंने ऊपर का काम थोड़ा रह रहा है, तो ऊपर का काम और करेंगे बाद में करेंगे। तो अभी चलते हैं पहले नीचे वापस। और मैंने ये कर दिया बंद, तो मेरा गोल्ड एक नोट तो बन चुकी है मेरे पर। मेरे को अभी वो चाहिए आयरन, तो आयरन इंग्रेड मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को बनाना है शेयर्स। तो शेयर्स बनाने के लिए आपको एक ईट ऐसे रखनी है और एक ऐसे, तो आपको शेयर्स मिल जाएगा। और तो इसका मैं आपको काम दिखाता हूँ। तो इसका काम क्या होता है, तो इसका मेन काम हम जो करेंगे वो शीप्स के साथ है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको फीड दे देते हैं अपनी मुर्गी को। तो अभी हम पे इतनी थी, तो इसे बाद में देंगे बाकी फीड। तो शीप्स के ऊपर कुछ नहीं करना है, इनके पास आना है और इन पे ऐसे करके क्लिक कर देना है, वरना आप इन पे गोला रख के ऐसे शेयर्स वाला बटन भी दबा सकते हैं, जिससे इनका ये उतर जाएगा। तो इनसे आपको वूल मिलती रहेगी और ये काफ़ी जल्दी वापस उग जाते हैं। तो आपको जितनी वूल चाहिए उतनी मिल सकती हैं आपको, जितनी आपको ज़रूरत है। तो वूल से हम कर क्या सकते हैं और वो भी बताता हूँ हम वूल से। देखिए इनकी वापस उग गई 2 मिनट में। तो छोटा उसको हम भी नहीं उतार सकते, मैं ट्राई करके देखता हूँ फिर भी। तो नहीं उतरती इसकी वूल, तो ठीक है हमने इनकी वूल उतार ली है। तो वापस चलते हैं हम आपको अपने, रुकिए और पहले मेरे को थोड़े से फ्लावर्स जमा करने पड़ेंगे। तो फ्लावर्स मैं किस लिए जमा करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ, पहले जमा कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाऊँगा क्यों जमा करें मैंने फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आप ऐसा करिए, जितने मतलब डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आप जमा कर सकते होते हैं, जैसे ये येलो है तो मैं इन्हें उठा लेता हूँ थोड़े से। तो मैंने उठा लिए, थोड़े से और ले लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी मुझे। तो थोड़े से और चाहिए मुझे, वाइट वाले भी ले लेता हूँ, ग्रे हैं वैसे ये पर ये वाइट दिखते हैं। तो यहाँ पर रेड भी हैं थोड़े, इन्हें भी ले लेता हूँ। तो हम पे काफ़ी टाइप के फ्लावर हो गए, फ्लावर की तो कमी पड़ी नहीं हमें। तो हमने फ्लावर ले लिए हैं अपने, और मतलब अच्छे खासे फ्लावर हो गए। और अभी हम चलते हैं, हम पर वूल भी हो गए, हमारे पास फ्लावर भी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी टेबल पे। तो दरवाज़ा कहाँ गया, ये रहा। तो दरवाज़ा खोल लिया मैंने और हम अपनी टेबल पे चल लें। तो टेबल पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसे बंद कर देता हूँ। तो टेबल पे पहुंच चुका हूँ मैं। पहले इनसे अगर आप ऐसे रखेंगे फ्लावर्स को तो आपको डाई मिलेगी। तो फिर ये कलर्स ही होते हैं एक तरह से, तो येलो डाई, रेड डाई, और हम पे वाइट डाई हो चुकी, ग्रे डाई हो चुकी है। तो डाई को ऐसे हाथ में पकड़ने के बाद आपको, आप इससे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अब देखिए पहले मैं आपको शेप के साथ कुछ करके दिखाता हूँ। तो अब डाई को हाथ में लेके ऐसे करके शेप के पास आइए और शेप पे डाई वाला बटन दबा दीजिए। देखिए येलो हो गई हमारी। तो फिर ऐसे आप अपनी शेप्स को भी कलर कर सकते हो, तो इससे आपकी शेप अच्छी भी दिखेंगी और ये जो वूल देंगे वो उसी कलर की देंगे जिसके आपने इन्हें कलर कर रखा है।
तो ऐसा करके आप इन्हें कलर कर सकते हैं। तो मेरे पे दो ही कलर थे तो मैंने दो कलर ही करी है। पिंक कलर भी होता है, ब्लू कलर भी होता है, सब कलर के फ्लावर्स मिल जाएंगे आपको। तो आपकी जिस मर्जी जोन से कलर की करनी है उस कलर की आप कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पे दो ही थे तो मैंने दो ही करी है। और इनसे जो वूल मिली है उनका मैं काम दिखाता हूँ। तो पहले अभी हम बंद कर देते हैं और चलते हैं हम अपने घर की तरफ। तो घर पे जाने के बाद टेबल पे जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना, डाई को रखना है और वूल को रखना है एक साथ, तो हमें मिल जाएगी कलर वूल। तो हमें कलर वूल मिल गई। तो इनसे अब कलर वूल का तो कुछ हमें फायदा है नहीं, तो हम इसके बनाएंगे कारपेट पहले। तो कारपेट बनाने की विधि होती है ये, देख सकते हैं आप। कारपेट ही आ गए, तो मेरे को येलो कारपेट बनाने हैं। येलो कारपेट मिल गए हमें और ये रेड कारपेट मिल गए। तो अभी कमी बन पाई है, तो कारपेट को कुछ नहीं करना, हम यहां से लगाना चालू करते हैं अपने कारपेट को। तो हम पे 6 ही थे तो 6 ही लगे, 3 और हैं तो मैं सोच रहा हूँ इन्हें कहाँ लगाऊं। तो वो वाला कमरा हम येलो करेंगे और ये वाला कमरा रेड करेंगे। तो फिर रेड की हमें थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ से लगाऊं इन्हें। मैंने यहाँ लगा दिए, बाकी आगे मिलेंगे तो हम आगे लगाते रहेंगे धीरे धीरे।